देखिए हमारे पास यहाँ पर एक साल्ट है लेड एसीटेट, जिसमें हम लोग लेड की पहचान करेंगे बेसिक क्रिटिकल यानी कि Pb++ इस आयन का टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी लेड एसीटेट का सैंपल ले लिया है थोड़ा सा। अब इन तीनों सैंपल में थोड़ा सा वाटर मिला करके यानी कि डिस्टिल्ड वाटर मिला करके इसे क्लियर सॉल्यूशन बना लेंगे, और क्लियर सॉल्यूशन बनाने के बाद में इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करके देखते हैं कि इसमें प्रेसिपिटेट आता है या नहीं आता है। तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके मैंने तीनों में क्लियर सॉल्यूशन ये क्रिएट कर लिया है। अब इसमें डाइल्यूट HCl को ऐड करके देखते हैं वॉइड प्रेसिपिटेट आता है या नहीं आता है। तो डाइल्यूट HCl को ऐड करने पर इसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको ऊपर दिखेगा, दिख रहा? जी सर। अब ये तीनों सैंपल टेस्ट ट्यूब के जो है कुछ समय के लिए रख देंगे ताकि प्रेसिपिटेट इसमें नीचे की तरफ बैठ जाए। अब ये जो टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट आपका सेटल डाउन हुआ है, हम इसको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, यानी वाटर जो इसमें ऊपर दिख रहा है आपको इसको हम अलग कर लेंगे, और जो नीचे साइड में आपको प्रेसिपिटेट बैठा हुआ सफ़ेद दिख रहा है इसको हम अलग कर लेंगे। आगे का काम प्रेसिपिटेट के साथ में किया जाएगा। अब ये जो हमारी ए टेस्ट ट्यूब है इसमें हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मिला करके और उबालेंगे इसको, और फिर इस गर्म किए गए सैंपल को दोबारा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अगर दोबारा फिर से इसमें वाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट होता है तो इसका मतलब इसमें Pb++ हो सकता है। इसको गर्म करने के बाद में अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और आगे का एक्सपेरिमेंट बी सैंपल वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके साथ करते हैं, ठीक है? तो इस बी सैंपल में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके और इसको गर्म करके फिर इसमें हम लोग जो है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करेंगे। जैसे इसको ऐड करेंगे इसमें येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट क्रिएट होगा। ये देखिए तो सैंपल में जैसे ही K2Cr2O7 को ऐड किया गया इसमें येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट है जो धीरे धीरे गाढ़ा होकर के सेटल डाउन होता जाएगा, ठीक है? तो इसको भी रखे दे रहे हैं। इसमें येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट बने हैं ये बात प्रूव करते हैं कि इसमें Pb++ आयन प्रेजेंट है। अब जो थर्ड सैंपल आपका है, ये जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट इकट्ठा हुआ था इसे थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके हल्का सा गर्म करके पोटेशियम आयोडाइड को थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। जो टेस्ट ट्यूब में सैंपल है ये भी आपका व्हाइट कलर का है, और जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह होता है, लेकिन दोनों को ऐड करते ही सडनली क्विकली एकदम से येलो कलर आएगा। अगर येलो कलर आता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसका मतलब इस सैंपल में Pb++ है। तो इस गर्म किए गए सैंपल में जो कि व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इसमें व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पोटेशियम आयोडाइड जो है इसको ऐड करेंगे, और ऐड करते ही आपको देखो येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा। ये देखिए दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे, व्हाइट कलर के थे। जो सैंपल आपने टेस्ट ट्यूब में लिया था वो भी व्हाइट था, और जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है ये भी व्हाइट है, लेकिन दोनों को ऐड करते ही सडनली एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया। जितने समय के लिए आप इसको रखेंगे ये गाढ़ा होकर के हैवी होकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, और इससे ये प्रूफ होता है कि आपने जो साल्ट यूज किया था उसमें Pb++ एक बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है?